प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद। आज महाराष्ट्र के दूसरे दिन ये सेवादल की रैली का आप सुंदर रूप देख रहे हैं। वर्षों वर्ष से बाबा जी की हजूरी में हमने यहाँ बैठ के सेवा करने की प्रेरणा ली। सेवा हर गुरसिख के लिए एक वरदान होती है, जो निरंकार का एहसास रखते हुए हुक्म के अनुसार होती है। शहनशाह जी बाबा गुरबचन सिंह जी ने यहाँ पे मिशन की नींव रखी और ऋषि जी, कांता माता जी, चाचा किशनलाल जी ने इसे अपने हाथों से सेवा करके सींचा। ऋषि जी तो कहीं बार अक्सर खुद सेवादारों के कपड़े धो के प्रेस करके सुबह उनके उठने तक तैयार करके रख देते थे। जब शहनशाह जी का उनको हुक्म आया कि आपने अब प्रचार में लगना है, तो वो उसी वक्त अपना काम छोड़ के भवन पे आके रहने लगे और प्रचार में लग गए। जब दादर भवन की छत पड़ रही थी तो शहनशाह जी आए और उन्होंने कहा, ये छत ठीक नहीं है, इसे तोड़ दो। एक महापुरुष बीच में कहीं बोल पड़े कि इससे तो मिशन का बहुत खर्चा होगा, तो ऋषि जी ने एकदम उनको समझाया, हम भवन के नौकर नहीं हैं, हम गुरु के नौकर हैं, अपनी दलीलें आगे मत रखिए आप। साथ संगत जी, हम यहाँ पे देख रहे हैं बाबा जी ने, परसों ही 26 जनवरी थी, बाबा जी ने जहाँ पे मिशन के प्रति हमें जागरूक किया, आध्यात्मिकता के प्रति जागरूक किया, वहाँ देश और समाज सेवा के प्रति भी हमें जागरूक किया। और अभी आपने सेवादल के बच्चों से सुना भी, वक्त पड़े तो देश की खातिर देश के पहरेदार हैं हम। और इसी सिखलाई का नतीजा है, चाहे आज आप ये सेवादल का रूप देख रहे हैं या SNCF की वर्दी में वो भी सेवादल का ही दूसरा रूप देख रहे हैं, मिलजुल के देश के प्रति और समाज के प्रति और मिशन के प्रति अपनी सेवाएं निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहे हैं। बाबा जी ने बच्चे के अंदर सेवा की प्रेरणा भरी। अभी एक महापुरुषों वाली तरफ सेवादल के एक छोटा सा बच्चा आगे पीछे घूम के छोटे खाली बॉटल्स पानी की इकट्ठी कर रहा था, जो उसे पड़ी नज़र आई। निरंकार करे मिशन का एक एक बच्चा ऐसे ही मिशन की सेवा करता जाए और आगे बढ़ता जाए। सात संगत जी धन का जी।